आज का ये वाला अपना जो सिस्टम है आज यहाँ से शुरू होएगा, क्योंकि क्या है, दो दिन से कुछ हो नहीं पा रहा। कोशिश तो बहुत चल रही है बट हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एक बहुत जरूरी काम था, एक छोटा सा फंक्शन है आशीष भाई के घर में, तो उसके लिए हमें एक जगह देखनी थी, तो वो जगह मैं सोच रहा हूँ आज देख आते हैं। नहीं है भैया, खुल लेनी है, तो मैं कहा एक बार वो जगह देख लेते हैं। और आशीष तो आज आ नहीं पाया साथ में, तो उसने हमें बोला कि तुम देखे हो जाके, फिर अगर अच्छी लगेगी तो फाइनल कर लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, अच्छी लगेगी। क्या चाहिए, क्या पता नहीं कौन है भैया, वो है कोई शायद मांगने वाला, तो नहीं मांगने वाला तो नहीं लग रहा ये तो मैं एक बार देख आते हैं, अच्छी लगेगी तो आ जा भाई, आ जा अंदर, बढ़ जा यार, तू तो यार दुश्मन ही हो जाता है। रुक जा, ये ले। अरे आजा, खुल रहा है, आजा आजा भाई, दरवाजा भी खोलूं क्या तेरे लिए? ये आ चुके हैं बदमाश एरिया, बदमाश गैंग एरिया के बड़े, सबसे बड़े बदमाश। वेलकम बैक। पेड़ के अंदर ही खड़ी कर देता, अगली बार पेड़ के अंदर खड़ी कर देंगे। इस एरिया का सबसे बड़ा बदमाश ये एरिया, अगर कोई जानता है ये एरिया कौन सा, तो इसका एरिया का सबसे बड़ा बदमाश ये है भाई। फोन भूल गया भाई, पर एरिया तो कुत्तों का होता ना, हमारा तो उधर है पर तो भाई आशीष भाई के घर में प्रोग्राम है और उन्होंने बोला है एक जगह देख के आनी है, बट वो आरटीओ के काम में बिजी हैं, जो केस आरटीओ का तो खैर किसी और काम है, बट जो केस केयरिंग है आज वो संभाल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा फ्री हैं, तो मैंने कहा हम दिखाते हैं चल के जो जगह हमने डिसाइड करी है। और वहां जाके तूने कोई भी कुत्तागिरी करी और बेइज्जती करवाई, वहाँ प्रोग्राम चल रहा होगा अभी, देखा देखा टेस्टिंग के लिए अगर उन्होंने कुछ दिया और तूने उसमें फॉइल पेपर में पैक करके अपनी जेब में डाला तो तू देगी फिर मेरी में डाल दियो तो भाई हम जा रहे हैं, मतलब कोई भी भाई वाली चढ़पना नहीं करेंगे, ठीक है? लोग यार लगना चाहिए, पढ़े लिखे डिग्री डुगरी वाले बालक, लाइसेंस हो चुके हैं, लाइसेंस वाले, वहां जाके हम अपनी वाली हरकतें कर देंगे, फिर लोग हमें लीचड़ घोषित कर देंगे, फिर लोग हमें कुछ कुछ बोल देते हैं। जब तेरी वजह से ही होता है ये सब, मैं तो भाई तुझे कंट्रोल करके लेके जाता हूँ, तू वहां जाके जा तो बखेर देता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं पहले ही समझा देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो कुछ नहीं, फिर पूरा लोग हमने गाड़ी में काट दिया भाई, हमारा काम ही तो यही है यार, समझ में नहीं आता बाहर कैसे लगा। एक दिन 24 आवर्स लिविंग इन गाड़ी चैलेंज करते हैं। हाँ, तेरी गाड़ी में रहेंगे पर देखते रहे, पैदल चलते हैं ना, देख तेरी बहू जा रही है अपने बालक लेके। तेरा एरिया ना, यहाँ पे तेरा घर है ना, ये मजाक ना कुछ हद तक अच्छा लगता है। अब आप रोज ऐसा मजाक करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे यार भाई, लोग बोर हो ना, जब देखो रात गई चुप गई भाई, तो क्या हो गया यार, तेरी बहू नहीं जाया करेगी क्या, सबने बाड़ा उठा ऐसे क्यों जाएगी भाई, गाड़ी दूंगा मैं उसको, बेशक मैं पैदल चलूं वो गाड़ी में जाएगी। गाड़ी किसे बोलते हो तुम, चप्पलों को, कार को? अच्छा, कार गर दो जोड़ी चप्पल ला के दे दूंगा, इनका नाम गाड़ी ले पहन ले, इनमें बैठ के चली जा। चलो ये तो हुई सीरियस बात है, अब कुछ मजाक करते हैं, हम आगे चलते हैं, देख क्या आते भाई। देख मैंने बैंक की गाड़ी है ना, लगा लिस्ट के पीछे देखा, और बाय चांस ये लोग वायरल हो गए तो कोई नहीं, केस लड़ ले, वायरल तो होगा तो मैं ही कह रहा हूँ भाई, मैं देख के तो आया, मैंने देखी है जगह, मैं प्रोग्राम में भी गया दो तीन बार यहाँ पे, जगह बढ़िया है, बाकी तू देख लियो अपनी तरफ, तूने नहीं देखी ना? नहीं, पिछली बार मैं, तू नहीं गया था पिछली बार, हम गए थे, तो मैं एक बार देख आते हैं, बाकी अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो आशीष भाई का रिसेप्शन कहीं और करवा देंगे। बाकी भाई एक और भी तो जगह है वहाँ पे, वहाँ भी जा, आशीष भाई का ब्याह नहीं हुआ ना, रुक जा, हाँ भाई ठीक है, कर दिया शुरू सिस्टम, पहले आते ही हैं, पिज्जा सारा छोड़ियो मत, नहीं भाई मत पीवे, सारा पिज्जा छोड़ियो मत भाई, पानी ऊंट है क्या तू, कितना पानी पिएगा, पानी छोड़ यार तू, पानी कंपटीशन है, पानी छोड़ दिए हैं दसानी कब आए थे ये स्टेज मीडिया, साल भर हो गए, साल छः महीने, साल भर हो गए, ये डीजे लगता है इधर, ये बंद आपको मन हो, इधर डीजे उधर दो काउंटर रखे, किसी चीज़ की कॉपी है प्रूफ वगैरह सब हटा दिए पूरी साइड से, साउथ इंडियन हो गया, वाइट हाउस है पूरा,
यहाँ से सबसे जबरदस्त लुक यहीं पे आता है इस वाले एरिया का। तो यहाँ दो टेबल की सीटिंग दे देते हैं 16 लोगों को जिसने कहीं बैठना हो तो। बाकी इस साइड सोफे है, उस साइड सीटिंग है, लाइव स्टार्टर उधर है, यहाँ कंट्री पी जा सकता है इस साइड पे। भाई सेक्सी है मेन्यू चेंज कराया वो ही है मैंने चेंज है उसमें सब्जी वगैरह बंद कर तो मीठे की काफी वैरायटी है यहाँ जलेबी हो गया। कितनी वैरायटीज है फिर इसमें खाने में? हाँ सर गिनती नहीं है अभी लगाओ ना वहां से स्टार्ट हो गया देखो आप वहाँ से सर वो तो यहाँ से पूरा ये यहाँ तक एंड होता है खाने का इस टेबल तक। अच्छा यहाँ ये पूरी लाइन मीठे की तेरी लाइन है ठीक है जो जिनकी शादी थी वो भी वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो आपको मैं वैसा आपको इतना वो नहीं पड़ेगा इधर ही टॉयलेट रूम इधर ही है मलाई रस मलाई राजभोग तीला कुल्फी केसरी खीर शाही हलवा हलवा करवा लेते खाली सिर्फ और सिर्फ हलवा हो सकता है क्या कहते हमारे डायबिटीज है बाकी सारी चीजें कैंसिल कर दो खाली हलवा कर दो अरे गुलाब जामुन का जामुन निकाल लो केसरी जलेबी की रबड़ी निकाल दो हलवा मीठा नहीं होता है मूंग दाल हलवा में से मूंग दाल निकाल लेना बताने के बाद और गोल्डन हलवा में से गोल्ड निकाल के वे मूंग दाल तो वैसे ही महंगी है पनीर जलेबी भी है पनीर जलेबी क्या होती है वो सूजी का हलवा नहीं कर सकते क्या पहले सूजवानी पड़ेगी ना भाई पनीर जलेबी है क्या मतलब शाही पनीर की जलेबी भाई पनीर को चाशनी में डुबो के देते हैं और गाजर का हलवा सीजनल भाई काला कांड कलाकंद है वो अरे भाई कलाकंद की कुर्चन अनपढ़ता के हद कर रखी है आपने ये देखो रसमलाई राजभोग राजभोग क्या होता है राजभोग क्या होता है राजभोग होता है येलो कलर का रसगुल्ला अच्छा मतलब सिर्फ बेवकूफ बनाने की चीज और केसरी खीर भाई मीठा तो है ही नहीं इनमें और मीठे तो हम अपने साथ लेके आएंगे ना नहीं मैं तेरी बात भाई ये ले लेंगे बासमती खजाना क्या बास बासी खजाना बासमती खजाना संजीव कपूर की खासियत अच्छा और एसोटेड ब्रेड्स में आ गई तवा फुलका पुदीना पराठा बटर नान भरमा भड़वा कुलचा फुलके क्या होते हैं भाई मिर्ची रोटी भी है मिर्ची रोटी मिस्सी रोटी अलग भाई ये तो रोटी के साथ मिर्च दे रहे मशरूम टका टक किस बात के इतने पैसे सही है कुल मिला के बन जाएगी बात कुल मिलाए कुछ ना बात बने चल दूसरी जगह चलते हैं यार मीठा कम है बस कोई नहीं यार बढ़वा देंगे बाकी कैसे लगा तेरे को ओवरऑल जगह कैसी लगी भाई देख पैसे के हिसाब से तो एवरेज बोलूंगा मैं भाई देखो कुल मिला के अच्छी जगह है बस गुड़गांव के बीचों बीच है इसलिए प्राइस थोड़ी ज्यादा है प्राइस तो खैर बताएंगे नहीं बट जो इसका टेस्ट वगैरह भी है ना खाने का वो भी इतना खास नहीं है जो मैं अब दिखाता हूँ तेरे को एक जगह और दिखाऊंगा कल परसों में चलते हैं वो दिखाऊंगा वो है बहुत बहुत जबरदस्त है वो तो यूज तो कह रही है भी करी हुई है इसमें भी कराए दो तीन प्रोग्राम और उसमें लास्ट उसी में करवाया था तो वो ज्यादा बढ़िया है मेरे ख्याल में बट प्राइस कंपेयर करें तो ज्यादा बढ़िया है प्राइस जो बताया गया कंपेयर ना करें तो भी बढ़िया मैं कह रहा हूँ प्राइस जो बताए गए वो थोड़े ज्यादा नहीं है बहुत ही ज्यादा है प्राइस ज्यादा है यार प्राइस ज्यादा ले लो दिक्कत नहीं पर क्वालिटी उस हिसाब की दे दो ना मतलब सर्विस भी उस हिसाब की होनी चाहिए अब इसने तो ऐसे कर दिया कि डीजे का एक्स्ट्रा चार्ज जीएसटी का एक्स्ट्रा चार्ज और कुछ और करवाना उसका एक्स्ट्रा चार्ज मैं अंदर अंदर घुसा उसका एक्स्ट्रा चार्ज मेरा कोई रिश्तेदार आया उनके सबके एक्स्ट्रा चार्ज ये एक काम करेंगे दो कमरे फ्री दे देंगे तुम्हें हाँ कमरे फ्री है तुम्हारे और हाँ तुम्हारी गाड़ी भी पार्क हम कर देंगे कमरे फ्री है उनका ताला लगा रखा चाबी हमारे पास है चाबी के चार्ज बुआ आएगी तो 100 रुपए चार्ज फूफा पे 150 रुपए चार्ज फोन तुम्हारा फ्री में चार्ज भाई मतलब मजा तो आएगा बट नहीं है उतना खास नहीं देखो ये थोड़ा सा ना ओवर रेटेड भी थोड़ी कम है सिटिंग जगह कम है भाई जगह बिल्कुल कम है मतलब ऐसे ही है कि शुरू होती है थोड़ी देर में खत्म हो जाए हमारी पब्लिक को ऐसी चाहिए खुली हाँ कि बस दो ले जाओ मैदान हो एकदम खत्म है वो वाली जगह चाहिए वो वाला सिस्टम नहीं है और इसका एटीट्यूड भी ठीक नहीं लगा मेरे को जो बंदा बैठा था ना बात करने वाला शांति जबकि जानता है मेरे को मैं पहले दो बार आ चुका हूँ बुकिंग करवा के अच्छा हाँ यूं है पर टाइम हो गया थोड़ा सा ना पहचाना हो भाई अब हम वो हो गए ना थोड़े